हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज सुबह ही मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया व्हाट्सएप पे और उसमें लिखा था कि पैन कार्ड आधार कार्ड का डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, लिंकिंग का डेट जो है एक्सटेंड कर दिया है। स्क्रीनशॉट क्या है, स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे आया है और इसमें लिखा हुआ है, बेसिकली इसमें डेट लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 से डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। तो ये बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दूँ कि ये पैन कार्ड आधार कार्ड के लिए नहीं है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है पैन कार्ड आधार कार्ड के लिए नहीं है, आपका डेट 31 मार्च 2023 ही है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन किस लिए है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन बात करता है बेसिकली, एक और नोटिफिकेशन आई थी 17 जून 2022 को। मैंने 17 जून 2022 वाला नोटिफिकेशन जब ओपन किया, मतलब गैजेट वाला नोटिफिकेशन ओपन किया, तो इसमें लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 ड्यू डेट था बेसिकली वो पर्सन के लिए जिनके पास वोटिंग कार्ड है, उनको इंटीमेट करना था अपना आधार नंबर, मतलब आधार नंबर को वोटिंग कार्ड जो है ना उससे लिंक करना था, उसके लिए नोटिफिकेशन था। उसका डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है, पैन कार्ड आधार कार्ड का लिंकिंग का डेट एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक है। वो अभी भी 31 मार्च 2023 ही है। तो आप फटाफट जाके लिंक कीजिए अपना, 1000 रुपये जो पे करना है वो पे कीजिए और लिंक कीजिए। कैसे लिंक करना है, कैसे पे करना है, सारी चीज़ों का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, आई बटन पर लिंक कर दूंगा, आप जाके फटाफट पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। लिंक का डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है पैन कार्ड आधार लिंकिंग का, ये ध्यान रखिएगा। अगर लिंकिंग का डेट एक्सटेंड होगा तो डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स की पोर्टल पे दिख जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।